Assalamualaikum everyone, this is Seher Khan and this is Shahzan Khan and you are watching Bro Says Reactions. So aaj hum dekhne wale hain Ae Rahe Haq Ke Shaheedo by Coke Studio Season 9 aur ye song jo hai wo I guess jitne bhi log shaheed hue hain unko tribute hone wala hai aur Season 9 ki taraf se jitne bhi isme Pakistani famous singers hain wo log isme gana gaane wale hain to dekhte hain ki ye kaisa hone wala hai. So let's start the video. Ye hai tumhare naam इस मिट्टी के लिए बहते लहू के नाम मेरे दिल में बसे जान से प्यारे पाकिस्तान के नाम ऐ राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है तेरा ही हक के शहीदों अल्लाह लगाने आग जो आए थे आशिया सलाम कहती है ऐ राहे हक के शहीदों चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम रसूल पाक ने शुजात पे झूमते होंगे हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा तुम्हें खुदा की रज़ाए सलाम कहती है मेरा फेवरेट डेडिकेटेड टू दोज हू सैक्रिफाइस देयर टुडेज फॉर आवर टुमारो कोक स्टूडियो सीजन 9 स्टार्टिंग 13th अगस्त इससे ज्यादा इमोशनल कुछ नहीं हो सकता इतने से गाने में मतलब उन्होंने सारे इमोशंस निकाल के रख दिए सब उन्होंने बयान करके रख दिया कि किस तरीके से मतलब क्या हम खुद भी नहीं बता सकते क्योंकि इन चीज़ को एक्सप्लेन करना और बता देना मतलब बहुत छोटी सी चीज़ है बहुत ही अदनी सी चीज़ है कि हम इतनी बड़ी चीज़ को थोड़े से वर्ड्स में एक्सप्लेन करते नहीं कर सकते हाँ ऐसा लग रहा था कि सारा दर्द निकाल के रख दिया इन लोगों ने एक एक लिरिक्स में एक एक जो वर्ड था गाने का ऐसा लग रहा था कि सारा दर्द बयान कर दिया है कि शहीद होने के बाद हुजूर पाक ने अपनी बाहों में ले लिया और खुदा की जो वो हैं रजाएं हैं वो मतलब कर रही हैं जो लाइन थी अली रज़ी अल्लाह तुम्हारे झूमते होंगे कि मतलब शहीद हुए अपने मुल्क के लिए अपनी ज़मीन के लिए इसी चीज़ को यहाँ पे उन्होंने बयान करने की कोशिश भी करी लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं जैसे कि हमने कहा कि बहुत मुश्किल है कि उसका बयान किया जाए अच्छे अल्फाजों में क्योंकि इन्होंने जो भी कुछ दिखाया वो बहुत ही एक्सट्रीम है काबिले तारीफ था उसको बयान करना बहुत मुश्किल है अगर हम ये बोलें कि हमें सुनते में रोंगटे खड़े हो रहे थे या आंसू आ रहे थे आंखों में तो ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये सुनकर ऑब्वियसली किसी के भी जिसे कहते नहीं है कि ये गाना जो है वो रूह में बस रहा था
ऐसा लग रहा था कि हम सुन यहाँ से रहे हैं लेकिन लग हमारे दिल पे रहा है, महसूस हो रहा था कि जैसे सब कुछ हमारे सामने चल रहा है और हम उसको देख रहे हैं। बहुत ही बहुत इमोशनल और बहुत हार्ट टचिंग सॉन्ग। जैसे कि उन्होंने कहा कि कितने बच्चों को यतीमी से बचा लिया है, कितने औरतों को, घर वालों को बेवा होने से बचा लिया, औरतों को, खानदानों को तबाह होने से। वाकई जो इन लोगों का काम है अगर हम देखें तो हम बोल ही नहीं सकते इनके लिए कि क्या ये जो है हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। और इनके लिए सिर्फ गाना बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है जो वो लोग हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, जैसे इन्होंने पाकिस्तान आर्मी के लिए बनाया है। तो बहुत ही खूबसूरत गाना था ये, राहे हक के शहीदों, वाकई बहुत ही अच्छा गाना था, बहुत अच्छा था। सिर्फ 3 मिनट का था, काश ये थोड़ा सा और होता तो और भी सुनने को मिलता। दिल चाह रहा था कि अभी और सुने, मैं तो बहुत ही इमोशनल हो गई इसको सुनने के दरमियान, बहुत ही खूबसूरत था। सो गाइज, ये था आज का हमारा रिएक्शन ए राहे हक के शहीदों के लिए, जो बे इंतहा खूबसूरत था। और इतने सारे बड़े बड़े सिंगर्स ने जो इसमें गाया है, वाकई इन्होंने जिसे कहते हैं कि दिल निकाल के रख दिया, अपनी फीलिंग्स को बयान किया है उन लोगों के लिए। और लास्ट में अली सेठी, जो उनके तो तारीफ जितनी भी करें कम है, आखिर तो में लेकर क्या है, लेकिन हाँ, कहते हैं ना, बहुत अच्छा में सबसे किया, बड़े शख्सियत को रखा जाना, हालांकि बहुत बड़ी शख्सियत नहीं कह सकते उन्हें, लेकिन सारे ही सिंगर्स अच्छे हैं। आबिदा बेगम है वो, अली सेठी का जो एक लेवल है यहाँ के लोगों के लिए बहुत फेवरेट है। इंडिया के लोग अली सेठी के इतने बड़े फैन है कि उनको अगर वो लाइव भी आ जाए ना तो बस उन्हें देखने बैठ जाएंगे वो। हम लोग बहुत बड़े फैन हैं अली सेठी के, ना जाने कितने सॉन्ग सुन चुके हैं। और बाकी सब मोमिना हैं, आसिम अजहर हैं, आबिदा बेगम हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, तो उन लोगों को तो बहुत ही पसंद किया जाता है हर तरफ। सो गाइज, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।